आजकल बच्चों में व्हाइट मार्क्स या सफेद निशान बहुत ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ऐसे में पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर किस कारण से बच्चे के चेहरे पर ये व्हाइट निशान दिखाई दे रहे हैं। जहां पर भी पेरेंट्स जाते हैं, कोई ना कोई टोक देता है। जैसे अगर पार्क में गए हैं तो उनकी कोई फ्रेंड बोल देती है कि आपके बच्चे को तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से ही इसके चेहरे पर ये व्हाइट निशान हो रहे हैं। किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो कोई रिलेटिव बोल देता है कि आपके बच्चे के पेट में तो पक्का कीड़े हैं, इसी वजह से इसके चेहरे पर ये व्हाइट निशान हो रहे हैं। कहीं और जाते हैं तो कोई और टोक देता है और बोलता है कि अरे आपने अभी तक डॉक्टर को दिखाया नहीं, इसके चेहरे पर कहीं विटिलिगो या फिर सफेद दाग तो नहीं हो गए। इन बातों को सुनकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जगह जगह डॉक्टरों के धक्के खाने लग जाते हैं, कभी एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कभी सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। कभी कभी स्किन कंडीशंस इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, उनका डायग्नोसिस भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ स्किन कंडीशंस के सिम्टम्स बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होते हैं, बहुत ज्यादा एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस वजह से बच्चे के चेहरे पर व्हाइट निशान या व्हाइट मार्क्स देखे जा सकते हैं। आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि हम सोसाइटी में जो भी मिसकंसेप्शंस या फिर मिथ्स प्रेवलेंट हैं, उनको रूल आउट कर सके, हम स्किन कंडीशंस के सिम्टम्स के बारे में बात करें ताकि प्रॉपर अवेयरनेस हो और पेरेंट्स को हम अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकें। आज की वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मैं दो स्किन कंडीशंस, टीनिया वर्सिकलर जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और टायरियासिस एल्बा जिसमें कि ड्राई स्किन होती है, अटोपिक डर्मेटाइटिस का ही मैनिफेस्टेशन होता है, इन दोनों कंडीशंस में होने वाले व्हाइट स्पॉट्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इस बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूं। साथ ही मैं वीडियो के एंड में मैं आपको दो नेचुरल टिप्स बताऊंगी इन कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए। इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मालती गुप्ता और मैं आयफा आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टायरियासिस एल्बा और टीनिया वर्सिकलर के डिफरेंसेस के बारे में। टायरियासिस एल्बा एक स्किन कंडीशन अटोपिक डर्मेटाइटिस का ही मैनिफेस्टेशन है, जबकि टीनिया वर्सिकलर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चे के स्किन पर जो व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। सबसे पहले है अपीयरेंस। टायरियासिस एल्बा में राउंड या फिर ओवल व्हाइट कलर के पैचेस स्किन पर दिखाई देते हैं, जो कि मेनली चीक्स पर होते हैं या फिर फेस पर भी कहीं पर भी हो सकते हैं। और टीनिया वर्सिकलर के केस में बच्चे के चेहरे पर स्मॉल पैचेस होते हैं जो कि पिंक कलर के हो सकते हैं, टैन या फिर ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। इन पैचेस का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो स्किन है उसका कलर क्या है। जैसे कि वाइट्स हैं, अगर जिनकी बिल्कुल वाइट स्किन है उनमें इन पैचेस का कलर डिफरेंट होगा, अगर ब्राउन स्किन है तो इन पैचेस का कलर डिफरेंट होगा। टीनिया वर्सिकलर के पैचेस हैं वो सन एक्सपोजर के बाद ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर से स्किन जो सराउंडिंग स्किन होती है उसमें टैनिंग हो जाती है, जबकि इन पैचेस पर कोई टैनिंग नहीं होती। तो कंट्रास्ट की वजह से सन एक्सपोजर के बाद टीनिया वर्सिकलर के पैचेस ज्यादा ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन का। टायरियासिस एल्बा के जो पैचेस हैं वो ज्यादातर चीक्स पर या फिर फेस पर कहीं पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अपर बैक पर या चेस्ट पर भी कभी कभी हो जाते हैं।
लेकिन जो टीन या वर्सी कलर के पैचेस हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं। आमतौर पर ये शोल्डर में, ट्रंक रीजन पर, अपर आर्म्स में, इन जगहों पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज ग्रुप। टायरियासिस एल्बा ज्यादातर ऑब्जर्व किया जाता है 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों में, जबकि टीन या वर्सी कलर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टायरियासिस एल्बा होता है वो फूड एलर्जीज या फिर फूड इनटॉलरेंसेस की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टायरियासिस एल्बा के जो व्हाइट पैचेस होते हैं इनके ऊपर फाइन स्केल्स देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पैचेस पर इचिंग बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि टीन या वर्सी कलर के जो पैचेस होते हैं इन पर कभी स्केल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इनमें इचिंग प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होती है। जो हाई ह्यूमिडिटी के रीजन्स हैं जैसे कि मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, जहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, ऐसी जगहों पर टीन या वर्सी कलर के पेशेंट्स ज्यादा ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। टायरियासिस एल्बा सन एक्सपोजर के साथ क्लोजली लिंक्ड होता है, जबकि टीन या वर्सी कलर स्वेटिंग, ऑयली स्किन और हाई मॉइस्चर ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से आप इजीली टायरियासिस एल्बा और टीन या वर्सी कलर के व्हाइट पैचेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टिप की। टायरियासिस एल्बा के केस में आप ध्यान रखें कि बच्चे को कहीं फूड इनटॉलरेंसेस तो नहीं है, किसी फूड को खाने से बच्चे को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होता। आप अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप टायरियासिस एल्बा जैसी कंडीशन को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर को टीन या वर्सी कलर या फिर टायरियासिस एल्बा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो आप आयफा आयुर्वेदा में अपनी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। Thank you.